बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल अल कैमेश में आपका कैमेश सजाद अहमद हाजिर हिदमत है 1000 प्रैक्टिकल आइडियाज़ बिजनेस वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में। जैसा कि हमने पहले ये कमिटमेंट की थी कि आपको सिंथेटिक थिकनर की फॉर्मूलेशन भी हम देंगे कि आप तैयार सिंथेटिक थिकनर डालने की जगह आप खुद से अपना थिकनर खुद से तैयार करें, जो कि टायर पॉलिश, डैशबोर्ड पॉलिश या भी कार पॉलिश में आप यूज़ कर सकें। तो उसकी प्रैक्टिकल फॉर्मूलेशन के लिए एक छोटी क्वांटिटी 100 ml 100 ग्राम वाटर हमने लिया और उसमें हमने जो क्वांटिटी सबसे पहले डालनी है वो थोड़ी सी क्वांटिटी एक थिकनर है कार्बोपोल, सबको मालूम है जो 200 फील्ड में काम करते हैं। जस्ट 1 ग्राम जो है वो हम अभी अप्रॉक्सीमेटली डाल लेते हैं, ये पानी में थोड़ा हल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये 1 ग्राम हमने ये कार्बोपोल डाला और इसको इसमें हल कर दिया। पहले से हल होने में थोड़ा सा टाइम लेना है, बाकी इंग्रेडिएंट हम डालेंगे तो होपफुली फिर वो भी इसको असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो हम अभी इस मिक्सिंग की फेज को ऐसे ही चलाते हैं कि तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी इसको हल होने में मदद देंगे। नेक्स्ट हमारा इसके साथ टी ऑयल जिसको हम कहते हैं ट्राई इथेनॉल अमाइन जो है वो इसका लाजम मलजूम है। जब भी हम कार्बोपोल लगाते हैं कार्बोपोल के साथ हम इसको लगाएंगे तो इसने अपनी थिकनेस देनी है और ये भी जस्ट 1 ग्राम जो है इसकी क्वांटिटी इसमें हमने डालनी है। अप्रॉक्सीमेट ये क्वांटिटी हमने इसमें डाल दी और इसको अब हम हल कर लेते हैं। और ये जैसे ही हमने इसमें टी ए जब भी जैसे ही हमने डाला तो वो एक जेल की फॉर्म में आ गया ये हमारे पास। ये दूसरे मिक्सर के साथ हम इसको अच्छा हल करने के लिए अब ये एक अच्छी इसमें इसकी मिक्सिंग हो गई हुई है और अगर इसको ट्रांसपेरेंट रखना है तो तब भी हम ठीक है, लेकिन इसको क्योंकि ये मिल्की ज़्यादा चलता है, अगर इसको वाइट मिल्की कलर देना है तो 1 ग्राम टाइटेनियम इसके अंदर हम डाल देंगे, टाइटेनियम पाउडर जस्ट 1 ग्राम। और इसमें हल्के कर दिया हमने, सॉरी इसको मिक्स कर दिया। सिंथेटिक थिकनर मार्केट से जो मिलता है वो भी आपको हम दिखा देंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर एल्फोक्स 210 ग्राम, एल्फोक्स 210 ग्राम, एल्फोक्स 10 ग्राम अप्रॉक्सीमेट 10 ग्राम ये डाल दिया इसमें। अब नेक्स्ट हमारे इंग्रेडिएंट की बारी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम ओनली 5 ग्राम सिलिकॉन ऑयल डालेंगे, 5 ग्राम सिलिकॉन ऑयल। ये सिलिकॉन ऑयल का 5 ग्राम का वो मिक्स कर दीजिए। थोड़ी सी इसमें ग्लाइसरीन का टच भी हम दे देते हैं, 1 ग्राम ग्लाइसरीन स्मूथनेस के लिए, शाइनिंग के लिए जस्ट 1 ग्राम। सर थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन फॉर्मुलेशन 1 ग्राम की आपको क्वान्टिटीज अकॉर्डिंगली जो चाहिए वो हम इंशाल्लाह जी। ये भी मिक्स हमने कर लिया। लास्ट हमारा जो है वो पी डी एम एस पोलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन और ये भी जस्ट 1 ग्राम जो है वो भी हमने इसके अंदर जस्ट टच करना है इसको, PDMS 1 ग्राम। अब हमारा प्रोडक्ट तैयार है और इसको हम फाइनल मिक्सिंग इसकी कर लेते हैं जी। जो मार्केट में अवेलेबल थिकनर है उससे ज़्यादा अच्छी कंसंट्रेशन में थिकनेस में बना है हमारा थिकनर। ये आपको इस टेक्सचर में नज़र आ रहा है
और जबकि जो अभी आपके लिए हमने तैयार किया है वो प्रोडक्ट आपको इस थिकनेस में नज़र आ रहा है जो कि उससे ज़्यादा थिक है और होपफुली उससे ये कम इस्तेमाल होगा। उम्मीद ये कि उससे ये 50-60% इसका यूजेज जो है फॉर्मूलेशन में कम होगा। इसको अपने इत्मीनान के साथ और अपने किसी फॉर्मूलेशन में आप इसको इस्तेमाल करें, टायर पॉलिश की, डैशबोर्ड पॉलिश की, किसी भी फॉर्मूलेशन में इसको इस्तेमाल करें और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी होपफुली जो मार्केट में अवेलेबल है उससे ये कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा। अच्छी थिकनेस में ये तैयार हुआ है और इसको अपने इत्मीनान के साथ किसी प्रोडक्ट में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अभी किसी नेक्स्ट इंशाल्लाह बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।